हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 19। इसमें पढ़ने वाले हैं शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। फ्रेंड्स, हमने जो पढ़ा था इससे पहले पढ़ा था लेक्चर नंबर 18 में भी यही पढ़ा था हमने, बस उसमें जो पढ़ा था हमारे पास एफ डी डी डैश जेड बराबर फाइव ए एक्स प्लस बी वाई वाली फॉर्म पढ़ी थी, जहाँ पे एफ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो था। अब हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास एक ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए जिसमें एफ ए बी इक्वल टू जीरो हो, एफ ए बी इक्वल टू जीरो हो तो उस केस में उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे, ये हम इसमें पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे हमारे पास है एफ डी डैश है हमारे पास और एफ ए बी इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है हमारे पास, एक ना एक फैक्टर कुछ ना कुछ फैक्टर ऐसे बन रहा होगा हमारे पास बी डी माइनस ए डी डैश, क्योंकि अगर इस फैक्टर में डी की जगह ए पुट करें तो ए बी और बी की जगह डी डैश की जगह बी पुट करें तो ए बी माइनस ए बी इक्वल टू जीरो ये हो जाता है। मतलब हमारे पास यहां से ये हुआ है कि हमारे पास एफ डी डी डैश में एक ना एक फैक्टर इस तरह का बन रहा होगा तभी वो जीरो होगा, ये फैक्टर बन रहा होगा तो इस एफ डी डैश इसको लिख सकते हैं एफ डी डी डैश बराबर बी डी माइनस ए डी डैश। अगर ये कितनी टाइम बन रहा है, सपोज ये आर टाइम बन रहा है तो आर और जी डी डी डैश, यानी हमारे पास ये कॉमन लेने के बाद जो फैक्टर बचता है एफ डी डी डैश में से वो फैक्टर ये है जहां पे जी ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये है फ्रेंड्स। जब ये फैक्टर बन जाता है तो उस कंडीशन में हम इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं ये हमें इस वीडियो में देखना है। फ्रेंड्स, अगर हम बी डी माइनस ए डी डैश जेड बराबर एक सॉल्यूशन लें जाई ए एक्स प्लस बी वाई, यानी इस तरह का फॉर्म है हमारे पास बी डी डी माइनस ए डी डैश जेड बराबर जाई ए एक्स प्लस बी वाई, ये हमारे पास तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, इसको अगर लिखें ठीक से देखें तो ये हमारे पास बी डी डैश यानी कि डी और अगर जेड का मल्टीप्लाई करें डेल जेड अपॉन डेल एक्स तो ये हो गया डी बराबर डेल जेड अपॉन डेल एक्स डी जेड बराबर, तो ये है हमारे पास पी माइनस ए तो ये है हमारे पास क्यू इक्वल टू जाई ए एक्स प्लस बी वाई। तो फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन है लैग्रैंज इक्वेशन है तो लैग्रैंज की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लैग्रैंज की वैल्यू सॉल्व करने के लिए डी एक्स बराबर बटे बी बराबर डी वाई बटे माइनस ए बराबर डी जेड बराबर साइन ए एक्स प्लस बी वाई, ये हो गया हमारे पास। अब फिर से अगर इन दो को हम लें इन दोनों के हेल्प से तो इन दोनों के हेल्प से हम लिख सकते हैं इसको ए डी एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस बी डी वाई। फिर से लैग्रैंज की इक्वेशन को जो एक्सटेंड फॉर्म में मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, आप पुरानी वीडियोस में जाके एक्सटेंड फॉर्म में देख सकते हो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं इक्वल टू जीरो। तो यहां से हो गया हमारे पास माइनस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये हो गया हमारे पास माइनस ए एक्स प्लस बी वाई सॉरी ये इक्वल टू था तो ये हो गया हमारे पास माइनस ए एक्स इक्वल टू बी वाई प्लस सी, या सी को हम इधर ऐड कर लें तो ये हो गया हमारे पास सी बराबर ए एक्स प्लस बी वाई। तो यहां से हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई बराबर क्या गया सी। अब फ्रेंड्स, अगर हम इसको और इसको लें डी एक्स वाले पहले पद और डी जेड वाला ये लें तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन बी बराबर डी जेड अपॉन और ए एक्स प्लस बी वाई बराबर क्या चुका है हमारे पास सी,
तो इसको हम लिख देंगे सी या सी वन दे देंगे, इसको सी वन ये हो गया। तो यहां से सॉल्व करें तो ये हो गया हमारे पास सी वन डी एक्स इक्वल टू बी ऑफ डी जेड। तो ये हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा सी वन एक्स इक्वल टू बी जेड प्लस सी टू, ये हो गया। तो यहां से अगर हम देखें तो जेड बराबर अगर देखें तो वन अपॉन बी सी टू माइनस सी वन एक्स, जेड बराबर है फ्रेंड्स हमारे पास सी टू माइनस सी वन एक्स, ये हो गया। बट सी वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी वन बराबर क्या है ए एक्स प्लस, फ्रेंड्स ये हमारे पास फाइव सी वन है ना कि फाइव सी, ये सी वन है यहां पे अगर देखो फाइव सी वन है ये। तो यहां से हमें डी जेड निकालना है तो डी जेड बराबर हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन बी और फाइव सी डॉट डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये फाइव सी वन है, इंटीग्रेशन करने पर जेड इक्वल टू वन अपॉन बी ये ढाई सी वन और ये हो जाएगा एक्स। तो इंटीग्रेशन करने पर जेड बराबर आ गया हमारे पास जाई सी वन बी अपॉन वन अपॉन बी जाई सी वन एक्स, ये आ गया। तो यहां से अगर हम जेड इसमें सी वन की वैल्यू रखें तो ये हो गया एक्स अपॉन बी एक्स एक्स अपॉन बी और जाई ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये हो गया जेड बराबर एक्स अपॉन बी जाई ए एक्स प्लस बी वाई, जेड बराबर ये इसका सॉल्यूशन आ गया हमारे पास जब हम इसका लेके चलेते हैं। तो अगर सेकंड केस में अगर इसी को रिपीट करें तो सेकंड केस में इसको रिपीट करेंगे तो हमारे पास अगर सपोज ये स्क्वायर है तब इसके इसको रिपीट करेंगे तो पहले तो ये हो जाएगा और उसके बाद बी डी माइनस ए डी डैश, तो इसके सेकंड अगर स्क्वायर की फॉर्म में इसको रिपीट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर स्क्वायर की फॉर्म है ये तो जब है फ्रेंड्स हमारे पास ओनली एक ही पावर है, अगर स्क्वायर की फॉर्म है आर फॉर्म है इसको आर टाइम तक अगर हम रिपीट करते जाए तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा जनरल सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा हमारे पास जेड बराबर वन अपॉन बी डी माइनस ए डी डैश टू दी पावर आर एफ ढाई ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल बी टू दी पावर आर और ये हो जाएगा ढाई ए एक्स प्लस बी वाई जब इसको हम आर टाइम रिपीट करेंगे। तो अगर हमारे पास ये आर टाइम रिपीट हो तो इस तरह से सॉल्यूशन इसका हम निकाल सकते हैं। अब फिर से एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इसको समझेंगे कि किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है 4r माइनस 4s प्लस टी इक्वल टू 16 लॉग 2x प्लस सॉरी x प्लस 3y x प्लस 2y, ये है हमारे पास। तो इसको हमें सॉल्व करना है तो पहले तो इसका सिंपली हमें सॉल्यूशन निकाल के जेड निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन दोनों निकालने होते हैं। तो पहले सी एम निकालने के लिए आर को जीरो पुट करते हैं और आर बराबर तो हमारे पास डी स्क्वायर होता है, एस बराबर डी डॉट डी डैश और डी बराबर डी डैश का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास डी स्क्वायर माइनस सॉरी फोर डी स्क्वायर माइनस फोर डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास और जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम अगर हम सी एफ निकाल रहे हैं बेसिकली तो ये है 16 लॉग एक्स प्लस
टू वाई। बट अगर जब हम सी एफ निकालेंगे, सी एफ निकालने के लिए आर एच एस को जीरो पुट करना होता है, पुट आर एच एस इक्वल टू जीरो एंड डी इक्वल टू एम एंड डी डैश इक्वल टू वन। इसका जो एक्सपेरिमेंट वाला सॉल्यूशन है इस तरह की प्रॉब्लम का किस तरह से करते हैं, ये मेरे पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। यहाँ पे शॉर्टकट से जा रहा हूँ।